अस्सलाम वालेकुम मेरे बहनों और भाइयों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। और आज बनाते हैं कुछ हेल्थी। ये बहुत मज़े की डिश मैंने बनाई है, आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने ले लिया एक कप कीनवा, आप कोई सा भी कीनवा ले सकते हैं, मिक्स वाला भी, पर मैंने प्लेन लिया और ये मैंने कास्को से लिया हुआ। और इसको मैं एक कप पानी में भिगो के रख दूँगी। तकरीबन इसको मैंने आधा घंटा भिगो के रखा था। अब यहाँ मैंने कीनवा को अच्छे से वॉश कर लिया है, मैंने दो तीन पानी में इसको वॉश किया है। और साथ ही मैंने एक पैन लिया और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है। और साथ ही इसमें मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर और 1/2 टीस्पून डालूँगी इसमें मैं कोरिएंडर पाउडर और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने डाली है रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने डाला था क्यूमिन सीड। साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी 1 कप पानी और पानी को मैं थोड़ा सा उबलने दूंगी। नमक डालना भूल गई थी, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक भी डाला है। जब पानी को अच्छे से उबाला आ गया और उसमें मैंने डाला है कीनवा और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और उसको मैं एक अच्छे से उबाला आने दूंगी। अब यहाँ कीनवा अच्छे से उबल गया है और इसको अब मैंने रख दिया सिमर पे। अब मैं एक पैन लूँगी और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल डाला है और इसमें मैंने डाला हाफ डाइस किया हुआ अनियन और उसको मैं थोड़ा सा साठे करूँगी। अब अनियन साठे हो गया, इसमें मैं साथ डालूँगी जिंजर एंड गार्लिक भी कटा हुआ और उसको मैं थोड़ा सा साठे करूँगी। और साथ ही मैंने यहाँ कैरेट्स को ब्रिक ब्रिक काट के रखा हुआ था, मैंने वो पैन में ऐड कर दिया। अब मैं कैरेट को थोड़ी देर तक इसमें भूनूंगी। कैरेट्स भी थोड़ी सी हो गई हैं साठे। साथ ही मैंने इसमें डाल दिए कॉर्न। यहाँ माशाल्लाह से बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। कॉर्न को मैं थोड़ा सा भूनूंगी और साथ ही इसमें मैं डालूँगी धनिया और ग्रीन मिर्चें और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूंगी। अब मैंने यहाँ अपनी स्पाइस ऐड किए हैं। मैंने 1 टीस्पून इसमें डाली है चिली फ्लेक, 1/2 टीस्पून डाली है मैंने इसमें रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैंने नमक डाला है क्योंकि नमक मैंने कीनमा में भी डाला हुआ है, और 1/2 टीस्पून इसमें मैंने कोरिएंडर पाउडर डाला है और थोड़ी सी लगभग 2 पिंच मैंने इसमें डाली है हल्दी टर्मेरिक पाउडर। और अब मैं इस स्पाइस को अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। साथ ही इसमें मैंने ब्रीक कटी हुई रेड बेल पेपर डाली है और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ब्लैक बीन्स। आप कोई भी बीन इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ आप चिक पीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड किडनी बीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी फैमिली को ब्लैक बीन पसंद है इसके अंदर, सो मैंने ब्लैक बीन इस्तेमाल किए हैं। साथ ही मैंने ब्रीक कटा हुआ इसके अंदर डाला है ग्रीन अनियन। अब अपने कीनवा चेक करते हैं। कीनवा मैंने सिमर में रखा हुआ था, माशाल्लाह से कीनवा भी रेडी हो गया, ये देखें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब हम इन सारी चीज़ों को करते हैं मिक्स। कीनवा को आप थोड़ा सा ठंडा कर ले, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, मुझे ये थोड़ा थोड़ा गर्म गर्म पसंद है। वेजिटेबल भी रेडी है और कीनवा भी रेडी है, अब हम सारी चीज़ों को मिक्स करने लगे हैं। ये बहुत ही हेल्थी डिश है और बहुत मज़ेदार है, एक बार आपने ज़रूर ट्राई करनी है। मैंने इसमें डाली है हैंडफुल स्पिनच और ये चेरी टमाटो और थोड़ी सी ये बनाना पेपर, मुझे ये थोड़ा सा खट्टा भी पसंद है। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड किया है, बहुत ही इसके साथ अच्छा टेस्ट आता है। और साथ ही मैंने 1/2 लेमन इसके अंदर स्क्वीज़ किया है। माशाल्लाह से आप ये सैलड बना के जॉब पे भी लेके जा सकते हैं। यूजुअली मैं ये सैलड बना के फ्रिज में रख लेती हूँ, मेरे बच्चे मैं जब जॉब पे जाना होता है तो हम इसको पैक करते हैं, साथ कोई चिकन या फिश बना लेते हैं। यहाँ मेरी सैलड अच्छे से मिक्स हो गई है, मैंने यहाँ टेस्ट भी किया था इसका कि कोई किसी चीज़ की अगर कमी है तो मैं इसमें ऐड करती हूँ, पर अल्हम्दुलिल्लाह से सारी चीज़ें इसके अंदर परफेक्ट थी।
आपके लिए मैं ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, आप भी बनाना, एंजॉय करना और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना और मुझे दुआओं में शामिल रखना। ये बहुत ही हेल्थी है और जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी है। माशाल्लाह से मेरा कीनवा बहुत मज़े का बना था। चलें जी, अब मैं अपने कीनवे को एक खूबसूरत से बॉल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और आप सबके लिए वीडियो मैंने शेयर किया है। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करें और मुझे दुआओं में शामिल रखें और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो पे। अल्लाह हाफिज़।